वेलकम बैक। मैं विशाल ज्योति आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस बात की बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों को कि जो भी गेस्ट क्वेश्चंस अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों ने प्रोवाइड किए वो लगभग सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल मैच कर गया। बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम चल रहा है ये आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस जो डील किए गए सुपर गेस्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के अंतर्गत, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ का हो या अकाउंटिंग का हो, लगभग मोर और लेस सेम का सेम क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया। इस बात की खुशी हम सभी को है, पूरी टीम को है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है, इस सुपर गेस्ट क्वेश्चन के सीरीज का जो बेनिफिट है ना, वो टोटल का टोटल बेनिफिट सारे स्टूडेंट्स को मिला होगा और आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आज मैं आपको एक नया वीडियो इकोनॉमिक्स का सेकेंड सेगमेंट, पहला सेगमेंट मैं 5 क्वेश्चंस का एक सेट दे चुका हूं, आज नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के इकोनॉमिक्स का सेट मैं देने जा रहा हूं, जो आपके बिहार बोर्ड के 2019 के एग्जामिनेशन में बहुत कारगर भूमिका निभाएगा। तो इन द सेंस कि इसका जो पहला इकोनॉमिक्स का वीडियो था उसमें मैंने आपको टोटल 5 यूनिट्स दिए थे, अभी फिर से नेक्स्ट 5 यूनिट्स के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स मैं देने जा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको आप स्केप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से इकोनॉमिक्स ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बिहार बोर्ड कॉमर्स के 2019 के इकोनॉमिक्स वाले पेपर में आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड 2019 के एग्जाम में आने वाले हैं, एक सेगमेंट दे चुका हूं। दूसरा सेगमेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है, मतलब पॉइंट यूनिट नंबर 6, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है व्हाट इज बार्टर सिस्टम, इट मींस बार्टर सिस्टम क्या है, गिव इट्स फीचर्स एंड लिमिटेशंस। तो देखो यहां पर इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है, वस्तु विनिमय प्रणाली विशेषता दोष एवं सीमाएं। ये जो विशेषता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता, उसी का दोष या सीमाएं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको इंग्लिश के टर्म में काफी तकलीफ हो रही थी, तो मैंने क्या किया है ना कि हर इंग्लिश के टर्म को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कोई भी तकलीफ ना हो, आराम से पढ़ सके और आराम से तैयारी कर सके। जो भी क्वेश्चंस के लिस्ट आपको दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल अच्छा जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका यूनिट नंबर 7 है, ये है परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली प्राइस डिटरमिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। इसको मैं थोड़ा हिंदी में बोल दूं, पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 8वां यूनिट में हम लोग जा रहे हैं जिसमें पढ़ना है आपको सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हिंदी में पूर्ति, पूर्ति के नियम, पूर्ति की लोच। ये जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, पूरी की पूरी संभावना है कि यहां से क्वेश्चंस आपका बिल्कुल आने जा रहा है। इसी के साथ मैं अगले यूनिट में आता हूं जो आपका यूनिट नंबर 9 है, इसमें आपको पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट और प्रोडक्शन। जो है इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ लेंगे, मार्केट के बारे में पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। इसको मैं थोड़ा हिंदी में कर दूं, मांग की लोच, बाजार, बाजार के प्रकार और उत्पादन, तो इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है इस वीडियो का यूनिट है आपका एक्सचेंज रेट, मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइंस एक्सचेंज रेट। हिंदी में मैं बोल दूं आपको विनिमय दर को प्रभाव निर्धारित करने वाले मुख्य कारक। ये जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड वो काफी इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियोस में इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी मैं समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करेंगे। और स्पेशली मेरा आग्रह है कि जैसा कि आपने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो एग्जामिनेशन में आ गए जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिए हैं, उनमें से ज्यादा लगभग सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस की तैयारी करना बिल्कुल ना छोड़ें। और एक इंपॉर्टेंट बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्पेशली उन सारे फ्रेंड्स के साथ जिनकी पढ़ाई पूरे साल थोड़ी अच्छे से नहीं हो पाई है, ये उनके लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। इसलिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट और जय माता दी।